कन्नौज में नागरिकता संशोधन अधिनियम व बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में विरोध करने निकले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। गुस्साए सपाइयों ने जमकर लगाए सरकार मुर्दाबाद किनारे। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ले गई पुलिस लाइन। भारी पुलिस बल की अभिरक्षा में सपाई गिरफ्तार। सपा पूर्व सांसद प्रतिनिधि नवाब सिंह के नेतृत्व में कन्नौज में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया गया। सपाइयों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम NRC व प्रदेश में बढ़ रहे अत्याचार, किसान विरोधी नीतियों और किसानों को गन्ना, धान एवं आलू का उचित मूल्य न मिलना, बढ़ती बेरोजगारी व कमर तोड़ महंगाई आदि जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल ने सपाइयों को हिरासत में ले लिया। जनपद के कई थानों के फोर्स के साथ PAC को भी मुस्तैद कर दिया गया। वहीं DM व SP ने किसी भी अप्रिय घटना से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया है। मुद्दों से हटके आज जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसान परेशान है, मजदूर को काम नहीं मिल पा रहा है, बिजली की समस्या है, इन मुद्दों से हटकर ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार नए नए मुद्दे ला रही है जो जनहित में जनहित के विरोधी मुद्दे हैं। आज संविधान विरोधी जो कानून बनाया जा रहा है उसके खिलाफ, CAA के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन कन्नौज में हो रहा है। अस्थायी जेल में हम लोगों को ला दिया है, रख दिया है और हमें अपनी बात नहीं करने दी है। जो स्टूडेंट के साथ अत्याचार और जो वहाँ पे लाठीचार्ज और गोली से जो स्टूडेंट घायल हुए हैं, जो लोग मर गए हैं, उन्होंने जगाने का काम किया है पूरे देश को। CAA और NRC का कानून जो लाया है, ये कानून देश विरोधी कानून है, इसको खत्म किया जाए। इस तरह का विरोध प्रदर्शन है आज, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जो बच्चियों महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार के लोग या तो उसमें शामिल है या उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। किसानों की स्थिति क्या है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। आज समाजवादियों ने अंगड़ाई ली है, लड़ाई तो बाकी है, हर जोर जुर्म के चक्कर में शांत तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने आज लोगों को आने नहीं दिया, हम लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जेल से हम नहीं डरते हैं, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हमारी जान चली जाएगी तो हम हम लोगों ने फोर्स वगैरह कैंसिल कर रखा था, तो जब हमने इनको समझाया तो लोग नहीं माने, फिर हमने इनको अरेस्ट किया। पुलिस लाइन में हम लोगों ने जो है स्थाई जेल का निर्माण किया था, तो वहाँ पर हमको लगा था। कितनी संख्या होगी लगभग यहाँ पर? करीब 250 से 300 लोग, जिन लोगों ने मचल का भर दिया उनको हम लोग धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े ग्रुप में छोड़ रहे हैं।